वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है, वो वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है डीफॉरेस्टेशन इंडिया में हो रहा है। और हम ये चीज़ दिसंबर से देखते हुए आ रहे हैं, दिसंबर 2019 से। अब बहुत स्पेसिफिकली अब मैं एक ही इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। करीब करीब नवंबर के आसपास अगर हम बात करें 2019 की, तो एक तालाबीरा नाम की एक जगह है, तालाबीरा नाम का एक गांव है उड़ीसा में, सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे एक बहुत बड़ा और कई वर्षों पुराना जंगल था। 7 दिसंबर 2019 की सुबह एक नई चीज़ समझ में आई, वहां पे एक नए अंत की शुरुआत हुई। वहां पे जैसे ही सर्दियां आने लगी, फॉरेस्ट एरिया संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हज़ारों लाखों के तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हज़ारों के तादाद, लाखों तो नहीं लेकिन हज़ारों के तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आने लगी, और वो बहुत स्पेसिफिकली तालाबीरा विलेज के आसपास। लोकल लोग जो वहाँ पे थे, उनने कहा कि इतना सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें पुलिस थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी और बाकी और थे, वहाँ पे विलेज के अंदर परेडिंग चालू हो गई थी इन सिक्योरिटी फोर्सेस की। आसपास की जितनी सड़कें थी जो जंगलों की तरफ जाती थी, सारी की सारी गार्ड कर दी गई, बहुत हैवीली गार्डिंग होने लगी। सारे गेट्स जो फॉरेस्ट की तरफ जाते थे, उसमें हैवी गार्डिंग होने लगी, हाई सिक्योरिटी हो गया इस ग्रीन पैच पे, जो ग्रीन पैच था उस रीजन का। तो ईस्टर्न इंडिया में ये सब क्यों हो रहा था? ये हो रहा था एक लार्ज स्केल फेलिंग के लिए, जो कि वहाँ पे की जानी थी। लार्ज स्केल पे जंगलों को हटाया जाना था, और किसी भी ऑपोजिशन को दबाने के लिए इस तरीके का इंतज़ाम वहाँ पे किए गए थे। अब वहाँ पे जो बचा एक बहुत ही लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़ा हिस्सा, जिसमें जंगल थे, हरे जंगल थे, बड़े जंगल थे, इन जंगलों में मास एक्सिंग एक्टिविटी, यानी कि जंगलों को काटने की एक्टिविटी शुरू की जानी थी। ट्रक्स आने चालू हो गए फॉरेस्ट में, जो है चीज़ें चालू हो गई। ये फॉरेस्ट में ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ माइनिंग का एक क्लेम था, यहाँ पे माइनिंग होनी चाहिए थी। और बोला क्या गया वहाँ पे, लोकल लोगों ने जब पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो बोला गया यहाँ पे पेड़ों को ले जाया जा रहा है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, दूसरी जगह हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, ऐसा बताया गया। तो इस इलाके में एक्चुअली में एक ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक कंपनी नेवल लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड या NLC आने वाला था, ये प्रोजेक्ट यहाँ डलने वाला था। कंपनी ने करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया था, ताकि वो 20 मिलियन टन कोल हर साल निकाल सके तालाबीरा कोल ब्लॉक्स में से। क्यों निकालना है कोयला? कोयला निकालना है 4,200 मेगावाट का एक पावर, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो इस कंपनी के थे, उस कंपनी को पावर करने के लिए। तो विलेजर जो इस इलाके में रहते थे, उनके लिए जो मास फेलिंग थी पेड़ों की, जो मास में पेड़ काटे जा रहे थे, ये चीज़ें कई वर्षों की, कई डिकेड्स की, कई शताब्दियों की एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो उनने किया है उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उस पर सीधा सीधा आघात था। तो जैसे ही न्यूज़ फैली वहाँ पे, हमने एक चीज़ देखी कि ये लार्ज स्केल फेलिंग जो हो रही थी पेड़ों की, वो दिसंबर के आसपास कहीं चालू हो गई थी, और विलेजर्स के जो डर थे वो सच्चाई में बदल चुके थे। स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इन्वॉल्वमेंट के साथ पेड़ काटना चालू कर दिए तालाबीरा ब्लॉक 2, तालाबीरा ब्लॉक 3 में। ये दोनों कोल ब्लॉक्स थे। तालाबीरा एक रेवेन्यू विलेज है, जहाँ पे 5 छोटे छोटे गांव आते हैं, बुधिया, पल्ली, मुंडापाड़ा, प्रधानपल्ली, काटूनपाड़ा और पदार। ये छोटे छोटे गांव इस इलाके में आते हैं, इनको कुछ ब्लॉक्स में बांट दिया गया था, ब्लॉक्स में कोल माइनिंग स्टार्ट होनी थी। वहाँ पे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने एक दिन अचानक ही मशीनों की आवाज़ सुनाई देनी चालू हो गई, पेड़ कटना चालू हो गए, बड़े बड़े ट्रंक जो है फॉरेस्ट से बाहर निकलने चालू हो गए, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे तैनात थी। कई सारी ट्रक्स जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विलेज रोड्स पे भर भर के पेड़ों को भर भर के लेके जा रही थी। सिक्योरिटी कॉर्डन इतना सख्त था कि 5 किलोमीटर साइट के 5 किलोमीटर तक बहुत हैवी सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात थी। तो बेसिकली जो तालाबीरा है, वहीं पास में खिंडा गांव है, खिंडा गांव में ये सब चल रहा था। और ने ये भी देखा कि ये सारे के सारी जो एक्टिविटीज जब चालू हुई, लोगों को वहाँ पे विलेजर्स को अपने भविष्य के बारे में चिंता होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, होगी चिंता। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं समझाया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। विलेजर जो थे, जो कि बेसिकली जिनके लिए काफ़ी सारे गांव कंजर्व करके रखे गए थे, अलग से हटा के रखे गए थे, जो कम्युनिटी विलेजेस थे वहाँ पे भी कटाई चालू हो गई। तो तालाबीरा ग्राम जंगल कमेटी जो थी,
उन्होंने जंगल जो है प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे, तो वहाँ पे भी गार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया। तो गार्ड डिप्लॉयमेंट जो है लोकल विलेजर्स को बोला गया कि ये जो पूरे के पूरे छोटे छोटे जंगल थे जो कि मिलके एक बहुत बड़ा हरा पैच बनाते हैं, ये गांव वालों ने वर्षों से संजो के रखे थे। उनने अपना एफर्ट लगाया, टाइम लगाया, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया उन जंगलों को बचाने के लिए, और आज वो काटे जा रहे हैं, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली 18 सालों से टिम्बर माफिया और दूसरे थ्रेट से, तस्करों से इन जंगलों को बचा के रखा गया था। उसी कारण से इन लोकल गांव वालों की एफर्ट से ही वो जंगल आज तक बचे हुए थे। तो एक लोकल गार्ड है वहाँ के, अचूत्य बुधिया नाम के, उनका यही स्टेटमेंट था कि ये जंगल जो है ये लोकल लोगों ने, गाँव वालों ने कई सालों से बहुत मेहनत करके बचा के रखे थे। तो हो क्या रहा था वहाँ, करीब 1.3 लाख पेड़ तालावीरा ब्लॉक 2, तालावीरा ब्लॉक 3 के अंदर काटे जाने थे। कोल ब्लॉक्स थे यहाँ पे, काटे जाने थे। तो चेन्नई बेस्ड जो कंपनी थी, चेन्नई बेस्ड नेवल लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC, 2016 में कोल माइनिंग के लिए ये ब्लॉक आवंटित हो गए थे उनको। 2018 में तालावीरा, यानी कि उड़ीसा में मौजूद है, तालावीरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली गई। ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की एक सब्सिडरी थी। इनने NLC के साथ एक एग्रीमेंट किया, और अब ये जो कंपनी थी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, एक जो कंपनी है तालावीरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, अब वो डेवलपर और ऑपरेटर हो गई इन तालावीरा ब्लॉक 1, तालावीरा ब्लॉक 2 कोल ब्लॉक्स की। अब ये मैनेज करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे उनको। तो ये कोल ब्लॉक जो है संबलपुर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी झारसुगुड़ा और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर आती हैं, जो कि हाईवे नंबर 10 के काफ़ी नज़दीक है, जो दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, वेस्टर्न उड़ीसा हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करता है बेसिकली। तो टोटल 1,38 हेक्टेयर जंगल, 1,038 बहुत बड़ा नंबर होता है, 1,038 हेक्टेयर जंगल जो है वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया प्रोजेक्ट के लिए। 192 हेक्टेयर जो है संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है, जिसमें झारसुगुड़ा डिवीजन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। पेड़ गिरने स्टार्ट हुए संबलपुर में, जबकि झारसुगुड़ा में अगले फेज में पेड़ काटे जाने थे। लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट क्लेम करते हैं करीब 40,000 पेड़ काटे गए हैं 20 दिसंबर तक, और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल्स ये बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिशियल है जो ये बोलते हैं केवल 17,000 पेड़ कटे हुए हैं आज तक, और नंबर ऑफ ट्रीज का जो टारगेट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से 1,30,000 के आसपास आया है, जो कि बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जबकि ऑफिशियल इससे मना कर देते हैं। एक OFDC ऑफिशियल, जब एनोनिमिटी की कंडीशन पे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये बोला कि जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को काटने का प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज हम अगस्त में हैं अभी, तो ऑलमोस्ट उस टाइम दिसंबर तक संबलपुर का काम ख़त्म हो चुका था। इनिशियल ट्री फेलिंग जो थी संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, उस कारण से लोकल कम्युनिटी के अंदर और एनवायरमेंटलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला विषय बन गया था, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला विषय बन गया था, क्योंकि अगला फेज था झारसुगुड़ा फॉरेस्ट डिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा ओपोजिशन क्रिएट करने वाला था। लेकिन NLC इंडिया ने, जो कंपनी थी NLC इंडिया ने स्टेटमेंट लिया कि हम हर पेड़ जो गिर रहा है उसके लिए हम तालावीरा 2 तालावीरा 3 में एफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब नए पेड़ लगाएंगे और कंपनसेशन भी अच्छे से देंगे और रिहैबिलिटेट भी करके देंगे विलेजर्स को। तो NLC के एक स्टेटमेंट में NLC ने कहा कि उनकी जो ड्राइव है वो करीब 25,86,700 पेड़ लगाएंगे नए, जितने पेड़ काटे हैं उसके लिए। माइनिंग फेज माइनिंग लीज जो एरिया तालावीरा 2 और तालावीरा 3 में लिया गया है, वहाँ पे करीब 25,86,000 ऑलमोस्ट 26 लाख पेड़ वो लगाएंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कुछ लोकल पेड़ होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, सिरीसा हो गया, बाराकोली हो गया, जैक फ्रूट्स यानी कि कटहल हो गया, बाम्बू हो गया, इन सबको भी डेवलप किया जाएगा और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को उस इलाके में जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ये NLC का स्टेटमेंट था। NLC ने ये भी बोला कि जो विलेजर्स इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं उन्हें पक्का यानी कि परमानेंट हाउसेज दिए जाएंगे, परमानेंट हाउसिंग दी जाएगी। कुछ 134 करोड़ रुपये इसके लिए अलग से आवंटित किए गए हैं। तो ओडिशा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड OCAF,
तो ओडिशा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर कुछ 134 करोड़ रुपए जमा किए हैं एनएलसी ने, ये वहाँ पे जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं जो इससे अफेक्ट हुए हैं, उनको ठीक तरीके से रिहैबिलिटेट करने के लिए। संबलपुर कलेक्टर शुभम सक्सेना ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला, इस बारे में उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, इस बारे में इनका कुछ भी क्लेम नहीं था। अब क्या हुआ, जो क्लेम सरकार कर रही है और जो आंकड़े लोकल अथॉरिटी, लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट और विलेजर से निकल के बाहर आ रहे हैं, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है, बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि ऑफिशियल क्लेम कर रहे हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से, लीगल नॉर्म्स के हिसाब से जो है पूरे पेड़ कटाई का काम हुआ है, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट वहाँ पर विजिट किए उनने कहा कि ऑफिशियल नॉर्म का बिल्कुल उल्लंघन हुआ है इस इलाके में, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हटाई गई हैं। शंकर प्रसाद पानी एक लॉयर हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उनने कहा कि गवर्नमेंट के ने खुद एडमिट किया है कि 30 ट्री कटिंग मशीन हर दिन इस्तेमाल हो रही है और हर एक मशीन एक पेड़ 5 मिनट के अंदर काटने में सक्षम है। इस स्पीड पे, इस लेवल पे, नंबर ऑफ मशीन्स अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और जो असली में कटाई हो रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मार्किंग नहीं की गई है। ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट 1972 के हिसाब से जो मार्किंग होनी चाहिए थी या उसके हिसाब से जो पेड़ कटाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और ये भी बोला है कि कुछ पेड़ों में तो नंबर तक नहीं डले हैं जिनकी कटाई होनी है। इसके अलावा जो पेड़ के जो कटने के बाद जो तने होते हैं, स्टंप होते हैं, उनकी काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग भी वहाँ नहीं की गई है, और पूरी तरीके से इलाके को समतल कर दिया गया है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लॉयर का कहना है। कुछ विलेजर्स ये बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि टारगेट अचीव करने के लिए, समय पर टारगेट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लैंड तक पे पेड़ काटे हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस तक पे जो है पेड़ काटे गए हैं। बुधी पानी में जो वहाँ का एक तालाबीरा का एक फॉरेस्ट इलाका है, पेरीफेरी में है, वहाँ पे एक बंदे का कहना ये है कि अचानक ही बड़े बड़े पेड़ जो हैं प्राइवेट लैंड पे जो कि फॉरेस्ट के पास है उनकी कटाई भी हम लोगों ने देखी। इसका मतलब है बिना मार्किंग के पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा है, कोई डीमार्केटेड लैंड बाउंड्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट लगातार फॉरेस्ट एरिया क्लियर करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये क्लेम करते हैं कि फॉरेस्ट का जो पार्ट है, जो इस इलाके में, उड़ीसा के इस इलाके में जो फॉरेस्ट का पार्ट है, वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ मिलती है जैसे कि साल, माहुल, आसान, धौरा, जामुन, आम, चार, तो ऐसी स्पीशीज़ मिलती है। और फौना यानी कि जानवरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सांप मिलते हैं, गिलहरियाँ मिलती हैं, आपके जैकल मिलते हैं, नेवले मिलते हैं, ऐसे कई सारे जानवर मिलते हैं जिनकी जो जिनका जीवन जो है खतरे में आ गया है। कुछ ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट ये क्लेम करते हैं कि इतना ज़्यादा जैव विविधता है इस इलाके में कि अगर ऐसा किया गया, पेड़ की कटाई अगर ना रुकी गई, तो एकदम से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है बर्बाद हो जाएगा। एक ट्राइबल राइट्स एंड लाइवलीहुड एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है वाई गिरी राव, ये भुवनेश्वर से, इनका कहना है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमीशन ने मेंशन किया है कि 1.35 लाख पेड़ जो हैं वो काटे जाएंगे, जिसमें टोटल 69% पेड़ 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर के, 60 सेंटीमीटर का डायमीटर आप समझ सकते हो कितना होता है, तो 60 सेंटीमीटर से डायमीटर के ज़्यादा के 69% पेड़। ये इंडिकेट करता है कि जो फॉरेस्ट है उसका हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमम था और बहुत अच्छी हेल्थ में था वो फॉरेस्ट। ये इस जंगल को 1980 से यहाँ के लोकल विलेजर गांव वाले जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गांव वालों को कंजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट तक मिले हुए हैं इस इलाके के। तो तालाबीरा ब्लॉक 1 तो ठीक है, हो चुका है। 2 और 3 की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि 1B वैली जो है, 1B वैली जो मार्क की गई है वहाँ पे झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे सीवियरली पॉल्यूटेड एरिया मार्क किया गया है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से सेंट्रल, जो CPCB निकालता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, कोल माइंस उस इलाके में फैले गए हैं, और 1B वैली जो है वहाँ पे उस इलाके का सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाता है, पूरे उड़ीसा का सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। 2018 की फाउंडिंग्स के हिसाब से अगर हम CEPI इंडेक्स को देखें तो 66.35 CEPI मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स,
जो कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया का इंडेक्स होता है 66.35, क्रिटिकली पॉल्यूटेड, तो वो इलाका क्रिटिकली पॉल्यूटेड हो गया जो कभी बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे। एनवायरमेंटलिस्ट ये बोलते हैं कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट अगर बढ़ाया गया तो ऑलरेडी एरिया पहले से ही ओवरबर्डन है, और वन बी वैली का एरिया अगर नहीं सुधारा गया तो लोकल इकोसिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है वो। तो कोल प्लांट वहाँ लगाना, बड़े बड़े पैचेस जंगल के गायब कर देना, ये सब क्लाइमेट क्राइम ही तो है। आप मौसम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ये करके। तो महानदी जो जाती है, जो रिवर है महानदी, वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है, ऑलरेडी वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी हाई है, और झारसुगुड़ा के जो इलाके वहाँ पे पाइप्ड वाटर कनेक्शन तक नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज और रिवर वाटर इश्यूज जो सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं वो सब यहीं से डिराइव होकर आ रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो तालाबीरा है वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वन बी वैली का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो इलाका सोक कर रहा है पोल्यूशन को, और अगर उस इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वाटर स्ट्रेस बढ़ेगा और ज़्यादा, आसपास के इलाकों में पानी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं उससे ऑब्वियसली इफेक्टेड होंगे। तो हाँ, हमारा इकोसिस्टम तो इससे होगा ही होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से अगर एनएलसी जो कंपनी है उसका देखा जाए तो माइनिंग ऑपरेशन 2021 से ये कंपनी वहाँ पे चालू करने वाली है। तो अगर आप इन पूरे के पूरे आंकड़ों को अगर अपने सामने रख के देखें तो आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा में जो हाल हो रहे हैं जंगलों के, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, और हम सबको इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे जो इकोसिस्टम्स को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्या ये सही काम है कि माना कि आपका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकेंडरी आता है, क्योंकि हमें खाने के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, सब चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन क्या पैसे के एवज में पूरे के पूरे जंगल साफ कर देना, इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करना, जैव विविधता के साथ खिलवाड़ करना, क्या सही है ये? क्या ये सही काम है? ये सब सोचना हमारी पीढ़ी का, हमारी जनरेशन का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा थॉट देंगे, सोचेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा समझेंगे इस इशू को, क्योंकि इशू बहुत गंभीर इशू है और इस इशू के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अगर इस इशू के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर कोई नहीं आएगा आपको, आपके लिए सोचने के लिए, ठीक है? ये जो हमें जो भी करना है वो हमें ही करना है, हमारी ही जनरेशन को करना है, हमारी जनरेशन को आगे आना है, हमारे ही जनरेशन के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंटरीज हैं, फिल्म मेकिंग है, राइटर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, जो भी हैं, इन्हीं को आगे आके ये इशू को उठाना है, लोगों के सामने लाना है, ताकि एक सही तरीके से काम हो सके। ये नहीं बोल रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करा जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता। इकोनॉमी है तो इंसान है, इंसान है तो इन्वायरमेंट का सेंस है, हम मानते हैं ये चीज़, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से दोहन करो इलाके का। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी कुछ फ्रूटफुल लगी हो। ऐसी और जानकारी के साथ फिर वापस आएंगे। धन्यवाद।